हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार रबड़ी बनाएंगे, जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई के अंदर बिल्कुल फुल क्रीम वाला मलाई वाला दूध डाला है। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और दूध हमें मैंने यहाँ पर मलाई का दूध लिया है जिसमें फुल मलाई है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम हाई रखना है और इस दूध को अच्छे से उबलने देना है। जब इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए तो गैस का फ्लेम हमें लो कर देना है और लो फ्लेम पर इसे हमें पकाना है अच्छे से। तो अभी मैं क्या करती हूँ, फटाफट कुल्फ़ी जमाने के लिए मैं इसके अंदर आधी कटोरी मिल्क पाउडर डाल देती हूँ। ये देखिए, मिल्क पाउडर मावे का काम करता है और उसे हमें डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा जो दूध है वो बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। ऐसे लगता है कि जैसे हमने मावा ही बन गया है दूध का। तो ये देखिए, मिल्क पाउडर वैसे एक मावा ही होता है, मावे की तरह ही काम करता है, उसमें मावे की जैसा ही टेस्ट होता है। तो ये देखिए, दूध हमारा बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। फिर भी मैं यहाँ पे लगभग इसको 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर वापस से पका लूँगी। इसी के साथ मैंने यहाँ पे आधी कटोरी के करीब ही चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कम या ज़्यादा। तो ये देखिए, चीनी मैंने अच्छे से ऐड कर दी है और चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर भी मीठा होता है तो आप उसके हिसाब से चीनी डालिए। अब मैं इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट, जिनको मैंने अच्छे से कूट लिया है, क्रश कर लिया है, और वो डाल देंगे ताकि ड्राई फ्रूट भी है वो पक जाएं अच्छे से। तो हमने दूध को उबालने के लिए रख दिया है और इधर मैंने 2 छोटी चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, जो आइसक्रीम का पाउडर होता है वो लिया है। उसको मैंने दूध के अंदर अच्छा सा घोल बना लिया है और अब हम क्या करते हैं, वो जो घोल बनाया था हमने वो हम कढ़ाई के अंदर जो हमने दूध उबालने के लिए रख रखा है उसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और कलर और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छे आते हैं, बहुत सुंदर आते हैं, कलर बहुत अच्छा आता है इसमें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। दूध हमारा उबल चुका है, आप देख पा रहे होंगे कितना गाढ़ा हो चुका है दूध, बिल्कुल मलाई के जैसा और बिल्कुल रबड़ी की तरह हो गया है दूध, बिल्कुल गाढ़ा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ और ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं इसके अंदर और दूध हमारा रेडी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये और रबड़ी बहुत ज़्यादा मस्त बनती है। आप हम मार्केट में पीते हैं फालूदा, उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर बनती है ये रबड़ी। तो आप भी एक बार इस तरीके से घर पर जरूर ट्राई करना। मिल्क पाउडर डालने से क्या है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और फटाफट बन के रेडी हो जाती है। लेकिन अगर आपको दूध से ही दूध को उबाल लीजिए, हमें 20 से 25 मिनट अच्छे से उबालना होगा तभी हमारी रबड़ी रेडी होगी। लेकिन अगर मिल्क पाउडर डालते हैं सिर्फ 5 मिनट में रबड़ी रेडी हो जाती है। तो ये देखिए, हमारी रबड़ी कितनी शानदार बन के रेडी हुई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करना। मैंने इसको अलग बर्तन में निकाल दिया, ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट और डाल देंगे। तो ये देखिए, हमारी रबड़ी है वो। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करना। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।